हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बीइंग नाइस व्लॉगर। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये यूट्यूब के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए। तो पहले मैं वैक्सीन लगवाने जाऊँगा आज, और उसके बाद फिर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिप करवा दूँगा जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जिस सोसाइटी में, दिल्ली NCR के अंदर कैसा लाइफ स्टाइल है लोगों का और कोविड सिचुएशन कैसी चल रही है। बाकी आशा करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने वैक्सीन लगवा ली होगी। अगर नहीं लगवाई तो जल्दी से जल्दी स्लॉट बुक करिए वैक्सीन के। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। और कमेंट अच्छे अच्छे कीजिएगा, क्योंकि जो गंदे कमेंट होते हैं या फिर कुछ भी XYZ लिख देते हैं, मैं उनको हाइड कर देता हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं विप्रो कंपनी में वर्क करता हूँ, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप ऑफिस में आके अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो इसलिए मैं आ गया हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए। और शायद कुछ दिन दिल्ली के अंदर रुकूँगा, और उसके बाद आई विल डिसाइड कि यहाँ पर रहूँगा या फिर बैक टू होम टाउन अगेन। तो गाइस, वैक्सीन लगवा के मैं अपनी सोसाइटी में वापस आ चुका हूँ, और ये मेरी सोसाइटी का प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे डेली मॉर्निंग और इवनिंग में लोग वॉक्स करते हैं, और उसी के साथ कार पार्किंग बनी हुई है, और साथ में ही बिल्डिंग पूरी प्रॉपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप ये देख लीजिए, बिल्डिंग की ऑलमोस्ट हाइट है, इसमें 14 फ्लोर हैं, 14 फ्लोर हैं टोटल। तो ये सोसाइटी में दो शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे परचेस करते हैं सोसाइटी वाले, और ये प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे बैडमिंटन, टेनिस एंड बेसबॉल का प्ले ग्राउंड बना हुआ है, और यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए कुछ टॉयज टाइप्स के वो हैं। और ये क्लब हाउस है सोसाइटी का, और इस क्लब हाउस में क्या क्या है वो मैं आपको चलो अंदर चल के दिखाता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये स्विमिंग पूल है सोसाइटी का, अभी तो फिलहाल बंद है क्योंकि कोविड सिचुएशंस के कारण, तो अभी ऑपरेट में नहीं है। और साथ में ये देखिए टेबल टेनिस भी है, लॉन टेनिस भी है, और टेबल टेनिस भी है यहाँ पे, और कैरम बोर्ड भी और चेयर वगैरह लगी हुई हैं, लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, कार्ड खेल सकते हैं। और यहाँ पे इस सोसाइटी में मल्टीपर्पज़ हॉल है, तो ये मल्टीपर्पज़ हॉल आपके सामने आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। कोई भी पार्टी इवेंट करनी है तो इसमें आप कर सकते हैं, सोसाइटी वाले कर सकते हैं। और ये जिम फैसिलिटी भी दी गई है, जो जिम अभी अभी खुली है आफ्टर कोरोना सिचुएशन के कारण, तो जिम आपके सामने है, देख लो। साइकिलिंग यहाँ पे पड़ी हुई है, और सामने मिरर भी लगा हुआ है। पहले ये योगा का रूम था, अब इन्होंने दोनों रूम को ही जिम का ही बना दिया है, यहाँ पे डंबल फैसिलिटी कर दी है। और इधर जो है मोर आपको दिखेगा, ट्रेडमिल वगैरह दिखेगी, और चेस्ट की मशीन आपको यहाँ पे दिखेगी जिम की। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके अलावा यहाँ पे स्टीम बात भी है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ स्टीम बात इस सोसाइटी में। तो ये है स्टीम बात रूम, फिलहाल अभी ये मैं टर्न ऑन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यूज़ नहीं करना। तो चलिए मैं आपका अपना फ्लैट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड बैठे होती है, यहाँ पे एंट्री करवानी होती है आपको जब भी आपको आना होता है, किसी भी फ्लैट में विजिट करना होता है। और यहाँ पे वो जो हैंड वॉश रखा हुआ है, यहाँ पे सैनिटाइज़र, और यहाँ पे ये है सामने आपके लिफ्ट जहाँ से आपको जाना पड़ता है फ्लोर में। तो ये देखिए मैं अपने इस फ्लोर पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं डोर ओपन करके आपको दिखाता हूँ, टर्न ऑन लाइट कर देता हूँ, कहाँ है बटन ये। तो ये है फ्लैट जहाँ पे मैं रह रहा हूँ फिलहाल अपने फ्रेंड के पास। तो यहाँ पे मैं अभी आपको फ्लैट का दिखा देता हूँ, ये आगे 3 रूम है आगे यहाँ पे। और इससे पहले मैं आपको ये बालकनी का व्यू भी दिखा देता हूँ कि ये मेन रूम जो ड्राइंग रूम है उसके सामने ही यहाँ पे बालकनी है, और बालकनी का व्यू देख लीजिए, आपको पूरी बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई देंगी यहाँ पे। काफ़ी पीसफुल भी है क्योंकि ये रोड और का रोड वगैरह से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे ट्रैफिक का शोर नहीं आता। तो ये है मेरा रूम जहाँ पे मैं अभी रुका हूँ फिलहाल, और यहीं पे ही मैं रहता हूँ। तो अगर मैं दिल्ली में रुका तो यहीं पे ही रहूँगा, और यहाँ पे रूम है। वैसे ये रूम बहुत गंदा होता है, लेकिन मैंने वीडियो बनाने के लिए साफ़ किया है। तो
बाकी ये लाइट ऑन करता हूँ और ये है वार्डरोब, यहाँ पे मैं अपने कपड़े वगैरह रख देता हूँ। और ये है वॉशरूम जो आपको दिखा देता हूँ। और गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को जरूर। और हाँ, इस रूम में भी बालकनी है और बालकनी का व्यू यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो हेयर यू कैन सी द व्यू ऑफ बालकनी और यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। तो गाइस, वैक्सीन लगवाई है तो कुछ खाना पीना भी पड़ेगा, तो मैंने वो ब्रेड के अंदर आलू स्टफ़ करके वो मैंने रख दिए थे और ये गर्म हो चुके हैं। तो लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ कि इसको और भी लाइक कुछ मॉडिफाई करूँ, तो पहले तो मैं इसको उठा के प्लेट में रख लेता हूँ। गर्म है ये बहुत। चलो चलो, गर्म कर दिए हैं। और ये देखिए, मैं अंदर का भी दिखा देता हूँ। आलू मैंने स्टफ़ किए थे इसके अंदर और दोनों ये अलग। ओके, एंड नाउ मैंने अंडे गोल के रखे हुए हैं। अंडे को फोड़ के उनका जो होता है गोल, गिलास में गोला हुआ है ये देखिए। तो ये मैंने 3-4 अंडे ये फोड़े थे यहाँ से उठा के। तो बाकी इसका मैं क्या करने वाला हूँ आके, वैसे मुझे इस डिश का नाम तो नहीं पता। एक्सपेरिमेंट कह सकते हो काइंड ऑफ कि हाँ ऐसा करके खा सकते हैं, अच्छा लगेगा। बट लेट्स सी, देखते हैं कैसा होता है। बाकी फ्राई पैन मैंने उठा लिया है, ऑयल भी डाल दिया और अब इसमें मैं अंडे डाल रहा हूँ। अंडे का वो मिक्सचर, तो अंडा ही ओनली है और इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला। अब मैं इसके ऊपर जो है ब्रेड डाल देता हूँ वैसे, और इसके ऊपर भी मैं डालता हूँ अंडा जो मैंने फोड़ा हुआ गिलास में। तो अब थोड़ा सा इसको पकने देते हैं और देखते हैं फिर इसका लाइक क्या बनता है। तो गाइस बहुत अच्छा है, देखिए आप अगर अपनी आंखों से देख सकते हैं तो इट्स लुक्स वेरी गुड। और इसको मैं 4 पार्ट में काट लेता हूँ पहले तो ना, क्योंकि ये इजी होता है होल्ड करने के लिए। तो गाइस मैंने 4 पार्ट में काट लिया है, देखिए कितना सुंदर है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ रियलिटी। इस वीडियो के बनाने के चक्कर में मैंने पूरे अपने अंडे को, ब्रेड को सत्यानाश कर लिया, पूरा जला दिया। तो गाइज, तब अभी भी अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बस क्या ही करूँगा मैं। ये देखिए, आप देखिए कितना जल गया है ये बैक साइड से। कोई बात नहीं, मैं बीच के आलू वालू खा लूँगा निकाल के। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्योंकि तो बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। और आपको पता है एक ओवर के बाद लाइक इतने दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। और बाकी अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।